बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशली क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है एंड स्पेशली ये वेडिंग सीजन स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर। एंड ये स्किन केयर बहुत बेसिक स्किन केयर है, बट एज यू नो कि अगर बेसिक स्किन केयर भी अगर आप लोग नहीं करते हैं ना, तो आपका जो जितनी भी स्किन की ग्लो है, स्किन मतलब ये जो बेसिक सी टिप्स हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये टिप्स बहुत ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। अगर आप एक बेसिक टिप्स फॉलो नहीं करते हैं ना, तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ और फॉलो कर पाएंगे। तो अगर ये बेसिक सी टिप्स भी अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती सीरियसली। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोगों को ये टिप्स जरूर फॉलो कर लेनी चाहिए, हर कोई कर सकता है, इजी टिप्स हैं एंड इनको अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपकी स्किन बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, साथ ही साथ ग्लोई बन जाएगी एंड आपकी स्किन के अंदर एक बहुत अच्छा सा निखार आएगा, जो कि एक वेडिंग टाइम पे आप लोगों को चाहिए होता है। सो आज की वीडियो वही है। सो एज यू नो कि वेडिंग स्पेशल है, सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चिट चैट कर लेती हूँ, सो दैट कि आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी अपनी खुद की जो फीलिंग्स है, मेरी एक्सपीरियंस है, वो अपने आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। सो एज यू नो कि वेडिंग सीजन चल रहा है एंड वेडिंग सीजन के टाइम पर क्या होता है कि जितनी भी ब्राइड्स होती हैं ना, उनको ये एक टेंशन होती है कि उनकी स्किन जो है ग्लो करे, ठीक है। अगर ग्लो नहीं करती है तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है उनके लिए। एंड अगर उनके फेस पे, अगर उनके स्किन पे एक ज़रा सा भी दाना निकल जाता है ना, सो इतनी परेशान हो जाती हैं। एंड उस परेशानी की वजह से क्या होता है, उस टेंशन की वजह से क्या होता है कि और चीज़ें जो हैं क्रिएट हो रही होती हैं, टेंशन से डलनेस आ रही होती है, डार्क सर्कल्स क्रिएट हो रहे होते हैं एंड जो आपके पिंपल्स हैं वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं टेंशन की वजह से, ठीक है। पिंपल्स को क्रिएट होने का एक कारण ये भी होता है कि अगर आप टेंशन लेते हैं तो डेफिनेटली पिंपल्स जो है क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेंशन। बहुत लोगों का ऐसा होता है, समटाइम्स मेरा भी हो जाता है, ठीक है। सो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जो है बहुत अच्छी निखर के आए, ठीक है, निखरी हुई स्किन हर कोई चाहता है। एंड वेडिंग पे तो भाई अगर आपकी स्किन निखरी हुई नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है टिप्स को फॉलो करने का। सो डेफिनेटली आज की टिप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, डेफिनेटली इस टिप्स को फॉलो करिए। एंड मैं आप लोगों के साथ ना एक अपनी छोटी सी, अभी जब मैं बात बताती हूँ, अभी जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही थी, सो वीडियो क्रिएट करने से पहले क्या हुआ, मैंने अपनी हाफ वीडियो जो है वो क्रिएट कर ली एंड सडनली मेरे माइंड में आया कि एटलीस्ट एक बार जो है वॉइस सुन लेते हैं कि कैसी आ रही है, क्या है। सो क्या हुआ, मैंने वीडियो स्टॉप करी बीच में एंड मैं अपनी वॉइस सुनने लगी। सो जैसे ही मैंने वॉइस सुनी एंड आई वॉज शॉक्ड, सीरियसली मुझे इतना गुस्सा इन द सेंस कि मुझे मतलब हर किसी को आएगा कि वॉइस, मतलब मैं बोल रही हूँ बट वॉइस आ ही नहीं रही है। सीरियसली जो मैंने अपना मिक लगाया था वो अच्छे से लगा ही नहीं। सो आप समझ सकते हैं, ये एक यूट्यूबर समझ सकता है मेरी फीलिंग कि मुझे भी कैसा लग रहा होगा। और उस वीडियो में जो मैंने बातें बोली है ना, देखिए हर बातें सेम नहीं हो पाती हैं। सो सेम इन द सेंस कि जो हम चीज़ें उन्हें बोल पाते हैं वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, सेकेंड वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो बस आप जान लीजिए कि ये मेरी, मैं अपनी सेकेंड वीडियो, सेम वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। एंड सो अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है एंड अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट कि मुझे थोड़ी सी कहते हैं ना, मुझे थोड़ी सा रिलैक्स होगा कि या यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है एंड एग्जैक्टली मेरे साथ तो हुआ है। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड थोड़ी सी चिट चैट बंद कर देते हैं। सो सॉरी या
सो आज की वीडियो जो है हमारी टिप्स से रिलेटेड है, सो स्किन केयर टिप्स से रिलेटेड है एंड आज इस होप आप लोग को मेरी ये स्किन केयर टिप्स जो है वो पसंद आएगी। सो बेसिकली जो वीडियो है वो बिफोर मैरिज है, ठीक है। सो वेडिंग डे, जब आपका वेडिंग डे होता है उससे पहले आपको ये ट्रीटमेंट जो है फॉलो करना है एंड मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा स्किन केयर ट्रीटमेंट है, ऐसा स्किन केयर मेथड है जो कि आप, ऐसी टिप्स हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें ना तो बस आपकी स्किन ऑलवेज ग्लो करेगी एंड कभी भी डलनेस नहीं आएगी आपके चेहरे पर। चलिए जान लेते हैं वो टिप्स क्या है, बहुत हो गई है चिट चैट एंड मूव ऑन करते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सो टिप नंबर वन, सो गाइस जो हमारी फर्स्ट टिप है वो है प्रॉपर स्किन केयर। सो प्रॉपर स्किन केयर आप कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर स्किन केयर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ। सो स्किन केयर मस्ट है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किन केयर होता है हर डिफरेंट स्किन के लिए, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो उसका स्किन केयर डिफरेंट होगा, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है उसका स्किन केयर डिफरेंट होगा, ड्राई स्किन है तो उसका स्किन केयर डिफरेंट होगा। सो जब भी आप स्किन केयर करते हैं तो ऑलवेज मैरिज से पहले 2 महीने पहले आपको अपना स्किन केयर स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही आपको अपने स्किन केयर में क्लिंजिंग डेली करनी चाहिए। क्लिंजिंग बहुत मस्ट स्टेप होता है आपके स्किन केयर का। अगर आप क्लिंजिंग नहीं करते हैं तो क्लिंजिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने फेस को क्लीन रखना शुरू कर दीजिए एटलीस्ट उठने के बाद, सोने से पहले और इवनिंग में। ये 3 टाइम आपको अपने फेस को ऑलवेज क्लीन अच्छे से करना चाहिए क्योंकि जितनी भी डस्ट हमारे स्किन में जो है आ जाती है इस इंटरवल्स के बीच में, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया उनके बीच में जितने भी स्किन के अंदर जितनी भी डर्ट आ जाती है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है फेस से। सो ये 3 मेथड, ये 3 टाइम आपको ज़रूर यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको एलोए जो है वो अप्लाई करना है अपने फेस पे डेफिनेटली। ओरिजिनल जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा जेल होता है, उसको आप डेफिनेटली यूज़ करिए एंड आपके स्किन का ग्लो मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है ये एलोवेरा जेल ओरिजिनल। ओरिजिनल की बात कर रही हूँ मैं एंड अगर आप ओरिजिनल नहीं यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको कहते हैं ना एक ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि आप ओरिजिनल डेफिनेटली यूज़ करें बिफोर मैरिज। 2 महीने पहले से स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार ज़रूर उसको अप्लाई करें। मैं तो आपको हफ्ते के अंदर 2 बार तो कहूँगी कि आप उसको ज़रूर लगाएं एंड नहीं तो आप ऑल्टरनेट डेज में लगाएं। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, इवन आपके फेस पे बहुत अच्छे से ग्लो आएगा। डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ये टिप बहुत ही नेचुरल है एंड इस टिप से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बेस्ट रहेगी हर ब्राइड के लिए। ये टिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है एंड आई होप पहली टिप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी मूव ऑन करते हैं टू टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है हमारी कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए आपको, स्लीप बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव करना चाहते हैं ना और कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सोने का टाइम जो है ना वो अच्छे से जो है प्रॉपरली एक टाइम बना लें सोने का एंड कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। एंड अगर आप अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छे से स्किन को फ्लॉलेस दिखाना चाहते हैं, ग्लोई बनाना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं। मैं कहूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पे इसे फॉलो करें, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, बट जब आपका स्पेशल डे है, जब आपका वेडिंग डे है, जिस दिन आपकी वेडिंग है उससे कम से कम 2 महीने पहले से ये चीज़ें आप फॉलो करनी शुरू कर दें, सो दैट कि आपकी स्किन केयर जो है, आपकी स्किन की जो स्किन है, आपकी स्किन, आपकी फेस, सॉरी स्किन की स्किन केयर, आपकी जो फेस की स्किन है ना वो बहुत अच्छे से ग्लो हो जाए, उसके अंदर एक बहुत अच्छा निखार आ जाए एंड ग्लोई फेस हो जाए, सो दैट कि आपका मेकअप भी जो है जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से निखर के आएगा, पॉप आउट होके आएगा। सो ये थी हमारी सेकेंडरी। सो गाइस स्टेप नंबर 3 है हमारे स्टे हाइड्रेटेड। सो स्टे हाइड्रेटेड के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से हाइड्रेट रहें, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे। जिस तरह अगर आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी तो साथ ही साथ आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेगा। सो
जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे, पानी का इंटेक करेंगे, आपकी बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी, आपका फेस उतना ज़्यादा ग्लो करेगा, आप उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ आप ना ही जो है कम खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे। ये एक बेस्ट मेथड है ओवर ईटिंग को कम करने का। जो लोग कहते हैं कि भाई हमसे तो रुकता ही नहीं है, जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो खाते ही चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये ओवर ईटिंग को भी कम करता है। तो जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले आपको एक ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, सो दैट कि आपकी ओवर ईटिंग को वो कम करता है। एंड उससे क्या होता है, आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, मोटापा नहीं आता है। सो जो लोग एक टिप चाह रहे थे कि उनका मोटापा भी कम हो जाए, तो डेफिनेटली स्टे हाइड्रेटेड जो पानी है वो आपके मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो पानी पिएं और अपने मोटापे को भी कम करें एंड अपने स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो लेकर आएँ। सो मोटापे वाली टिप इसके अंदर एक ऐड करते हैं टू द फोर्थ टिप, दैट इज टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है हमारी डाइट से रिलेटेड। सो जैसे कि मैंने आपको पानी की जो मैंने एक रेमेडी बताई कि जिससे कि आपका मोटापा भी कम होगा, ओवर ईटिंग कम होगी, साथ ही साथ हमें जो है अपनी डाइट भी प्रॉपर लेनी चाहिए। सो ऐसी डाइट रखनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन हो, हमें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स वाली डाइट को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, साथ ही साथ जिसके अंदर ज़्यादा विटामिन हो, ठीक है। एंड इस तरह की डाइट्स को हमें जो है लेना चाहिए, इंटेक करना चाहिए। अपने फूड पर स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऑयली फूड से हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज ऑयली फूड ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर क्या होता है, ऑयली फूड से पिंपल्स एंड ये सब चीज़ें जो है क्रिएट हो जाती हैं। सो ऑयली फूड से थोड़ा दूर रहें एंड थोड़ी अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें, एंड या सो दैट कि आप लोगों को एक फिट और हेल्दी जो है लाइफ मिले, और एक हेल्दी साथ ही साथ हेल्थ मिले आपको, एंड आपका फेस उतना ही ग्लो करे जितना आप चाहती हैं अपने वेडिंग डे पे। सो ये टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है। कितने दिन पहले, पूरे 2 महीने पहले से आपको फॉलो कर देना शुरू करना है, तभी आपके स्किन पे जो बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं टू द फिफ्थ टिप नंबर 5। सो गाइस टिप नंबर 5 है रिलेटेड टू ऑयली फूड। सो एज यू नो कि मैंने 4th टिप में ही आपको 5th टिप को जो है इंक्लूड कर दिया था, दैट इज कि अवॉइड ऑयली फूड। तो जितना हो सके उतना ऑयली फूड को अवॉइड करें, 2 महीने पहले से अवॉइड करना शुरू कर दें, सो दैट कि आपकी स्किन जो है ग्लो करना शुरू करें एंड आप फिट रहें, हेल्दी रहें, कि आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर रहे, क्लियर रहे। क्लियर स्किन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खाएंगे तो आपके जो है पिम्पल्स, एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाएंगी। सो जितने भी ये ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब से दूर रहें, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ना कैलोरीज होती हैं। एंड इन टिप्स का ज़रूर आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, सो दैट कि आप एक अच्छी ब्राइड दिखें। एंड मैं ये नहीं कहूँगी खाली ब्राइड के लिए ये टिप्स हैं, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने आप को फिट रखना चाहता है, अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहता है। सो ये वुमेन, मैन, गर्ल, बॉय, हर किसी के लिए है। सो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टिप। सो गाइस हमारी जो 6th टिप है, दैट इज कि जितना भी क्रैश डाइट्स है ना उनको अवॉइड करें। बहुत लड़कियां क्या करती हैं, बहुत लड़के क्या करते हैं, वेडिंग आ गई है हमारी, भाई शादी होने वाली है तो भाई हमें पतला होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना तो हर कोई ये चाहता है कि भाई हमें पतला होना है, एंड उस चक्कर में क्या करते हैं कि आप अपनी डाइट को कम कर देते हैं, खाना पीना छोड़ कर बैठ जाते हैं। सो बिल्कुल नहीं करना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप अपना खाना पीना छोड़ कर बैठें और तब जाके आप अच्छे से ग्लो नज़र आएंगे, आपके फेस पे ग्लोइनेस नज़र आएगी, साथ ही साथ आप पतले हो जाएंगे। पतले होने की वजह पता है आपके अंदर क्या हो जाएगा, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आप बिल्कुल ऐसे सूखी हड्डी से हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा डल डल सा चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, डाइट को स्किप करना बिल्कुल बंद कर दें। ऑयली फूड हाँ आप बंद कर दीजिए, प्लीज़ ऑयली फूड कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कोशिश करिए 2 महीने पहले तो बंद ही कर दें, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं। सो चलिए मूव ऑन करते हैं टू द 7th टिप। आई होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आ रही है, अगर कोई भी टिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है ना तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा ज़रूर। लाइक किया या नहीं, जल्दी से करिए लाइक।
27 टिप है प्रैक्टिस कि आप मेकअप के साथ जो है ना सोना बंद कर दें। पता है मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बहुत बार मैं शूट करने के बाद क्या होता है कि हम थक जाते हैं, तो जब हम मॉर्निंग में शूट करते हैं सो मैं मेकअप करे करे मैं कुछ मतलब देर मैंने ऐसी गलती करी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि मैं सो गई हूँ। एंड सोने के बाद मैं बड़ कुछ दिन तक इतनी परेशान रही हूँ ना कि मेरे फेस पे दाने कैसे आने शुरू हो गए, मेरे फेस पे इतना गंदा सा जो है ना मेरे फेस का टेक्सचर इतना गंदा हो गया, मेरी स्किन का टेक्सचर इतना गंदा हो गया। एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हुआ क्या, बिकॉज मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी एंड उसके बावजूद ऐसा हुआ। आप यकीन मानेंगे सच में ऐसा हुआ। मैं अपनी खुद की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक ब्राइड नहीं है ना तो भी आप इन टिप्स को फॉलो करें, अगर आप ब्राइड नहीं हैं इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, ब्राइड हैं तो भी फॉलो करें, ब्राइड नहीं हैं तो भी फॉलो करें, हर इंसान के लिए ये टिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लड़की हैं तो भी फॉलो करें, लड़का है तो भी फॉलो करें। मेकअप करके कभी नहीं सोना, गलती से भी नहीं, इवन एक काजल लगा के भी मत सो जाना, ये मैं आपको कह रही हूँ। आप अपनी स्किन का ना बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे, सच में कह रही हूँ। मैंने अपनी स्किन का कर लिया था बिल्कुल ही सत्यानाश एंड बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने अपनी स्किन को थोड़ा सा स्मूथ बनाया है एंड वो प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले का ही था। मेरे फेस पे इतने गंदे गंदे दाने से आ गए थे, मैं हकीकत में बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं आप लोगों से ये डेफिनेटली कह रही हूँ कि मेकअप करके सोना बिल्कुल, मेकअप करके सो जाना जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपके पोर्स जो है बहुत, जब भी आप सोते हैं ना तो सोने से क्या होता है आपके पोर्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी स्किन के जितने भी सेल है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो एक रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। जब वो रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं तो जो आपके फेस पे मेकअप लगा होता है ना वो पोर्स में चला जाता है, पोर्स में जाने के बाद वो पोर्स को बिल्कुल ही क्लोज कर देता है। पोर्स जैसे ही क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद उसमें सांस लेने की तो जगह होती नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे हल्का हल्का सा वो पोर्स जब बंद होता है ना तो वो एक उठा उठा सा वो दाना टाइप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो दाना होता है ना वो एक्चुअल में दाना नहीं होता, वो आपके जो पोर्स हैं ना वो बंद हो चुके होते हैं वहाँ, ठीक है। एंड उससे क्या होता है एंड वो रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं खुद ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं कहते हैं ना मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को जो है सफ़र ना करें एंड बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ख्याल रखें, मेकअप करके बिल्कुल ना सोएं, चाहे दिन हो चाहे रात, बिल्कुल ना सोएं। अगर आप मेकअप करके सो जाते हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज करता है, साथ ही साथ आपकी जितनी भी स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है, जितनी भी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज होता है ना, जितनी भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं ना वो सब ख़त्म कर देता है, स्किन को एकदम से ड्राई कर देता है एंड आपका चेहरा इतना गंदा लगता है। हकीकत में मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा पफ़ी हो जाती हैं मेकअप से जब आप सो जाएंगे ना, अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं ना, कि एक बार से नहीं होता, अगर आप अभी भी मतलब ये गलती कर रहे हैं ना तो रुक जाएं, एक दो बार हो गई है, अगर आपको चीज़ें नहीं हुई हैं, ये सब चीज़ें रिएक्शंस नहीं हुए हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप रुक जाओ, आप बार बार इसे प्रोसेस को मत दोहराओ, नहीं तो आपकी आईज़ पफ़ी हो जाएंगी, इरिटेशन आपकी आईज़ में हो जाएगी। मेरी आंखों में इतनी इरिटेशन हो गई थी ना एंड समटाइम्स मेरी आईज़ पफ़ी भी मुझे लगने लग गई थी कि मेरी आईज़ इतनी ज़्यादा पफ़ी पफ़ी क्यों होने लग गई हैं। बट अब शुक्र है प्रभु का कि मैं बिल्कुल मतलब अपनी स्किन मेरी थोड़ी अच्छी हो गई है। वही कहते हैं ना थोड़ा सा अपने आप को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ से एक्सपीरियंस हूँ, सो दैट कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आप बिल्कुल मत करिए, मैं बार बार कह रही हूँ मत सोइएगा मेकअप करके, मत सोइएगा। हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप अपनी वेडिंग से पहले न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो ट्राई मत करिए अपनी स्किन पे। मैं आपको यही राय दूंगी कि आप वेडिंग से पहले नए नए चीज़ें, नई नई रेमेडीज आप ट्राई मत करिए, जो आप करते आ रहे हैं उन्हें ही करिए। एंड अगर
आप कोई ऐसी क्रीम यूज करना चाह रहे हैं जो आप सदियों पहले यूज करते थे एंड आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, सदियों पहले आपकी स्किन आपकी हेल्थ डिफरेंस थी, अब सदियों बाद आपकी स्किन आपकी हेल्थ डिफर हो गई है, ठीक है, जरूरी नहीं जब उस टाइम पे आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल गया था उस प्रोडक्ट से, ज़रूरी नहीं कि अब इस टाइम पे भी एक अच्छा एनवायरनमेंट वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को दे दे। तो ज़रूर है ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ करें या आप जो प्रोडक्ट सदियों पहले यूज़ करते थे और वो प्रोडक्ट आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक पैच टेस्ट जरूर करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आप पैच टेस्ट ज़रूर करिए कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप शादी के 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करें या कोई नया फेशियल कोई नई चीज़ करें, बिल्कुल नहीं करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी ना करें, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आ रही। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप जो है स्ट्रेस को अवॉइड करें, टेंशन से दूर रहें, खुश रहें, बहुत अच्छे रहें, स्माइली फेस करके रहें ऑलवेज एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, एक ज़रा सा भी स्ट्रेस ना लें। साथ ही साथ अगर आप लेट नाइट अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें, लेट नाइट काम करना छोड़ दें, थोड़े दिन की तो बात है, एक बार शादी हो जाने दीजिए, शादी में कितना अच्छा सा ग्लो आ जाएगा, ठीक है, ज़िंदगी भर आपको काम करना है, लेकिन ये जो डे होता है ना ये बहुत स्पेशल डे होता है, हर कोई इस डे का इंतज़ार कर रहा होता है, साथ ही साथ इस डे पे हर कोई अपने आप को बहुत अच्छा और परफेक्ट दिखाना चाहता है एंड क्योंकि दुनिया आती है आपको देखने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जितना भी लेट नाइट वर्क कर रहे हैं ना वो आप पहले कर लें, अपना स्लीपिंग टाइम प्रॉपर रखें, 8 घंटे की स्लीप मैंने आपको बताई है तो उसको आप प्रॉपर रखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद है। टिप है वो ये है कि आप अपना वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज मस्ट है, वर्कआउट मस्ट है, जिससे क्या होता है कि आप फ्रेश रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, साथ ही साथ आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, इतने सारे फ़ायदे एक्सरसाइज से आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप करना शुरू कर दीजिए, फिट रहेंगे हेल्दी रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। जितना मर्जी काम हो बहुत ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन आपका वर्कआउट जो है वो नहीं छूटना चाहिए आपकी होल डे की साइकिल में। सो आई होप कि आप वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, एक्सरसाइज मस्ट है, ज़रूर करने हैं, ये जितनी भी मैंने टिप्स बताई हैं ना सारे टिप्स बहुत मस्ट हैं, बहुत बढ़िया टिप्स हैं एंड इवन आप इन टिप्स को अपना डेली रेगुलर वे में अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में ना 4 चांद लगा देंगे, मैं हकीकत से कह रही हूँ 4 चांद लग जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप स्टे फिट एकदम फिट रहेंगे, साथ साथ ग्लो करेंगे तो दूसरे लोग भी ना आपसे पूछेंगे कि यार बता तो सही तू कर क्या रही है या तू कर क्या रहा है यार आप मेरे को बताओ तो सही आप कर क्या रहे हो, इतने फिट हो, इतने हेल्दी हो एंड साथ साथ आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, आपकी स्किन का राज क्या है ज़रूर बताइए मुझे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेंगे एंड तब आप मुझे याद करेंगे कि यस अंकिता मैम ने हमें ये कुछ टिप्स फॉलो करने के लिए बोला था। सो दैट आई होप आप लोग को ये टिप्स पसंद आएंगी एंड मैं बहुत खुश होंगी कि इन टिप्स से आप लोग को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो फॉलो करिए ये कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स हैं एंड आई होप आप लोग को पसंद आएगी। सो अब हमारी जो लास्ट टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर सुन के जाइएगा एंड उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे, अपनी वीडियो को क्लोज अप करेंगे एंड आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट टिप्स बतानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, इसीलिए ये टिप्स का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारी 11th टिप है वो ये है कि गो फॉर द नेचुरल पैक्स। सो डेफिनेटली आप केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहें अपनी शादी से पहले, अपनी शादी वाले डे से पहले 2 महीने पहले से दूर रहना शुरू कर दें, कोई नया प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल पैक्स को इस्तेमाल करें, नेचुरल पैक्स आप लगाएं अपने फेस पर, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से ग्लो मिलेगा एंड नेचुरल पैक्स वाली वीडियो मेरी बहुत जल्दी आने वाली है,
सो ये इस वीडियो में मैं नेचुरल पैक्स नहीं बता सकती बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है. सो वो वीडियो मेरी बहुत जल्दी आएगी. आई होप आप लोग को वो वीडियो भी पसंद आएगी. सो पसंद आती है अगर ये वीडियो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. आई होप आप लोग को ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होगी. बैकग्राउंड की नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें बिकॉज मैं वीडियोज जो है वो अपने स्टूडियो रूम में बनाती हूँ एंड मैंने अपना स्टूडियो रूम घर में ही क्रिएट किया हुआ है. सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बैकग्राउंड की थोड़ी सी नॉइस को इग्नोर किया कीजिए एंड आई होप आप इग्नोर करते ही हुए हैं. एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. साथ ही साथ ये जितनी भी टिप्स हैं वो पसंद आई होंगी. एंड इन टिप्स को ना अपने तक मत रखिएगा, इन टिप्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए सो दैट कि हर लड़की हर लड़का अपने स्पेशल डे पे बहुत स्पेशल दिखे एंड बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ चेहरा नज़र आए, डायमंड की तरह एकदम चेहरा जो खिलखिलाता नज़र आए, एकदम दूर से ही चमके कि हाँ भाई ये दूल्हा आ रहा है, ये दुल्हन आ रही है, दूर से ही चमकना चाहिए और फिट हेल्दी रहे. सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. सो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय.